हमारे इस नए ब्लॉग चैनल में आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत है। और आप लोग से सभी लोगों से मेरी एक ही निवेदन है कि जिस तरह आप लोग ने मुझे पहले से सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरह आगे भी सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल में ब्लॉग में आपके लिए एक नई गाड़ी लाए हैं जो फुली इलेक्ट्रॉनिक है। तो फ्रेंड, हम आपको इस बारे में थोड़ी छोटी छोटी डिटेल देंगे, इसमें कैसे क्या किया जाता है। सबसे पहले तो फ्रेंड, हम आपको इसका चार्जिंग का लोकेशन दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा आप फ्यूल का टैंक रहता है, जैसा आप फ्यूल का टैंक ओपन करते हैं, उसी तरह आपको ओपन करना है डिवाइस। देखिए, बस इतना ही है। फ्यूल टैंक के ढक्कन पे आपका एक चार्जिंग का लोकेशन दिया है। इसका वायर भी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका चार्जिंग का केबल है। तो इसे किस तरह ऑपरेट किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये सबसे पहले तो आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। कभी भी चार्जिंग आपको लगाना रहेगा तो पहले यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा। इसे कनेक्ट कर लिए हैं। ये हमारा प्लग है, थ्री प्लग। देखिए, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फिर आपको इसके बाद आप थोड़ा और डिटेल देंगे। देखिए, ये चालू करते ही, ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें तीन लाइट है, तीन पॉइंट दिया है। तो पहला जो पॉइंट है, देखिए, हरा है, जो पावर के लिए है कि आपका पावर मतलब इसमें आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है, ये जो आपका ब्लिंक कर रहा है, चार्जिंग का है। अगर आपका ब्लिंक कर रहा है तो समझ लीजिए आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है, और नहीं ब्लिंक करेगा तो समझ लीजिए आपका गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा। तीसरा जो दिया है ऑप्शन, वो अगर आपका समझ लीजिए येलो लाइट जल रहा है तो आपकी गाड़ी में मतलब कुछ फॉल्ट है, करके ये चार्जर में कुछ फॉल्ट है, तो आप इतना बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया चार्जिंग का लोकेशन जो हमने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, तो जैसा हमने इसको चालू किया है, और एक पॉइंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपके मीटर पे देखिए, जो मीटर है इसमें देखिए, ये जो येलो कलर का लाइट जल रहा है, ये आपका ब्लिंक करेगा। देखिए, तो इसका मतलब आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अगर अभी हम बटन बंद करेंगे, मेरा बटन बंद करो, ये देखिए, ये जैसी बटन बंद करेंगे वो लाइट जलना बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, अब कोई लाइट नहीं जल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस बात को भी याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि हमने चार्जर का बटन चालू किया है तो हमारे मीटर पे येलो कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा, अगर चाहे तो आपको स्टार्ट करके दिखा दें। चाबी दीजिए। साइलेंट गाड़ी है फ्रेंड, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। ठीक है, आपको स्टार्ट करके हम दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, देखिए ड्राइव करके लिखा हुआ है बटन, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस पे मीटर पे रेडी टू ड्राइव करके भी आएगा लिख के। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है। देखिए, इसमें कोई साउंड नहीं है, एकदम साइलेंट गाड़ी है। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में एक खासियत है कि आपका गाड़ी चालू रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चला कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है करके। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको अब इसके थोड़ा इंजन के बारे में डिटेल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने बोनट ओपन किया है, ये देख सकते हैं, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पे मोटे मोटे केबल दिया गया है। ये आपके जो भी बैटरी का रहता है पूरा, जो भी इंजन का जितना भी सिस्टम रहता है उसको ऑपरेट करता है पूरा केबल। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा वैक्यूम पम्प है, ये हमारे बूस्टर के लिए ब्रेक का काम करता है, ये जो देख सकते हैं वैक्यूम पम्प है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक स्विच भी दिया गया है। देखिए, ये अभी अगर आप ऐसा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपका जो भी सिस्टम है वो पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका चाबी इग्निशन विशन कुछ ऑन नहीं होगा, गाड़ी चालू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस बात के इस स्विच को ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा ऊपर के साइड रहना मत खुला। ठीक है फ्रेंड, इसको ऊपर रखिएगा, कभी भी प्रेस करके मत रखिएगा, तो आपका गाड़ी जितना भी सॉफ्टवेयर है पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये भी देख सकते हैं, ये सेकेंडरी बैटरी है एक्स्ट्रा छोटा सा। ठीक है, बाकी जो मेन बैटरी आता है, जो गाड़ी को पूरा रनिंग करता है, जो मेन बैटरी वो आपका पीछे सीट के नीचे आता है फ्रेंड, वो काफ़ी महंगा भी आता है, उसको 4 या 5 साल में रिप्लेस करना पड़ता है। वो कम से कम 2.5 से 3 लाख का आपका बैटरी आता है, वो पूरा मेन जो बैटरी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये छोटी छोटी डिटेल थी इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में। ठीक है, बाकी ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, खाली आपका जो एक्सल है, सस्पेंशन का जो पार्ट है, खाली एक्सल है, उसके लिए छोटा सा एक डिफरेंशियल दिया गया है जो आपको दोनों एक्सल को घुमाता है। बाकी जो भी है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है।
सिर्फ एक ही आपको जो सादा है एक्सल के लिए छोटा सा डिफरेंशियल दिया गया है। तो फ्रेंड हम आपको थोड़ा सा इसके सस्पेंशन के बारे में डिटेल देंगे कि इसका सस्पेंशन कैसा। आप लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी रहेगा सस्पेंशन का, तो इसमें फ्रेंड कोई सस्पेंशन इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं है, एकदम सादा सिंपल जैसा हमारा दूसरे लोगान गाड़ी में आता था सेम वैसे इसका कैंची, उसका लिंकेज, शेयरिंग बॉल जॉइंट और अपना सॉकअप सब सादा है फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए ये सारे सादे हैं। देखिए कैंची सादा है, सॉकअप सादा है, देखिए फ्रेंड इसका सॉकअप, हमारा एक्सल, ये टायर रॉड, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट सब सादा है फ्रेंड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वर्ट नहीं है, ना ही कोई सेंसर है एबीएस का कुछ भी। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे सॉकअप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में छोटा सा डिटेल था। इंजन का भी साउंड सुन सकते हैं फ्रेंड, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, देखिए कितना साइलेंट है, थोड़ा भी साउंड नहीं है गाड़ी में। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, कहिए तो आप मीटर से देख सकते हैं। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट है, न्यूट्रल पोजीशन में, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा इसका डिक्की का स्पेस हम आपको दिखाएंगे, देखिए कितना सारा है, ये हमारा डिक्की का स्पेस है। और फ्रेंड इसका जो स्टेपनी है वो भी हम आपको बताएंगे उसका लोकेशन कहाँ पे है। स्टेपनी फ्रेंड इनोवा में जैसा डिक्की के नीचे देता है वैसा है, देखिए उसको ओपन करने का यहाँ से दिया गया है। ये देखिए ये बोल्ट को आप लूज करेंगे तो आपका स्टेपनी नीचे जाएगा, ये आपका स्टेपनी लूज करने का लोकेशन है बाहर निकालने का। और फ्रेंड ये देखिए जो कवर दे रहा है मेन, इसके नीचे आपका बैटरी है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आते हैं सब इसके नीचे है। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड इसमें मेजर पॉइंट है वो हम आपको दिखाएंगे, ये बटन से क्या होता है, आपका गाड़ी अगर आपको बटन प्रेस करके नीचे रखते ना तो आपका जो गाड़ी का सिस्टम है स्लिप मोड में चला जाएगा। तो फ्रेंड ना आपका इग्निशन ऑन होगा ना आपका गाड़ी चालू होगा, अगर कभी भी ऐसा बाई चांस आपको हुआ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं, ये समझिए, ये देखिए ये हमने जैसा इग्निशन ऑन किया है, ठीक है ये समझिए आपका इग्निशन ऑन है। ठीक है तो आपको हम वो बटन प्रेस करके दिखाएंगे, ये देखिए जैसा हमने बटन प्रेस किया, देखिए गाड़ी अभी आपका ना चालू होगा ना कुछ होगा, देखिए इग्निशन ऑन है। देखिए फ्रेंड आपका गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, देखिए ये देख सकते हैं, ठीक है तो अब आपका गाड़ी चालू भी नहीं होगा, आप कितना भी आप उस स्विच को ऊपर कर देंगे तो भी आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। मिराज वो स्विच को ऊपर कीजिए, स्विच को ऊपर कीजिए, किया, देखिए फ्रेंड अब हमने वो स्विच को ऊपर भी कर दिया है तो भी आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। ये देखिए स्विच आपका इग्निशन ऑन होगा, एक बार ऑफ कर दिए तो अब आपका इग्निशन भी ऑन नहीं होगा। देखिए ये आपका इग्निशन ऑन हो रहा है लेकिन आप जैसे ही ड्राइव पे जाएंगे स्टार्ट करने तो देखिए आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका इग्निशन ऑन होगा लेकिन आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे कि स्लिप मोड में चला गया है उसे कैसे फिर से लाए। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, देखिए ये जो पॉइंट वाला आपको स्विच दिख रहा है ये देखिए जो इस पर हम हाथ लगा रहे हैं तो फ्रेंड ऐसा दोनों साइड में है, एक यहाँ पे है कि पीछे साइड है, तो आपको ये और ये दोनों को प्रेस करके 10 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है। देखिए इस तरह से अभी हम दबा के रखेंगे, देखिए फ्रेंड जैसे ही आप इस बटन को दबा के रखेंगे जैसे ही वो आपका स्लिप मोड से डीएक्टिवेट होएगा तो टक करके वो आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका स्लिप मोड से हट गया करके। तो अब आप इग्निशन ऑन करेंगे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये अब हम गाड़ी स्विच ऑन किए हैं, अभी हम गाड़ी का देखिए बटन जो ड्राइव का है उसको प्रेस करेंगे, देखिए इधर लाइट जलेगा, देखिए ये लाइट आपका जलने लगा, आपका गाड़ी स्टार्ट हो गया, रेडी टू ड्राइव करके आ रहा है। देखिए हम आपको थोड़ा आगे पीछे करके दिखाएंगे, ये देखिए
फ्रेंड ये सारी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में डिटेल थी जो हमने आप तक पहुंचाया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में डिटेल थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।